अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। मैं आपके दांतों के पीछे पड़ गई हूँ और हमने दांत चमका के छोड़ने हैं। बिल्कुल दंदा दा क्रेड़ा, दंदा दा पीलापन, दंदा दा कीड़ा, खराब दंद, दांत दर्द, सब में ठीक कर देने ने। अच्छा जी, बात यह है, हाँ जी, तो मैं आपके दांतों के पीछे पड़ गई हूँ। दांत अब आप लोगों को सबको मेरे समेत साफ करने पड़ेंगे, दांतों को चमकाना पड़ेगा। और मेरे पास एक बहुत ही अच्छी रेमेडी है, वो भी घर में किचन में मौजूद चीज़ों से। अगर आपके दांतों को कीड़ा लग गया है, जिसे हम करेड़ा कहते हैं पंजाबी में, पीले हो गए ने, काले हो गए ने, या डॉक्टर ने कहता है दांत कढ़ा दो विच रेशा है, तो प्लीज़ एक दफ़ा ये रेमेडी यूज़ कर लें। स्केलिंग कराने की, उसको साफ कराने की, उनको रगड़ाई कराने की, या अंदर से किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आपके दांत 2 से 3 दफ़ा के यूज़ में ही सही हो जाएंगे। अभी मैं एक रेमेडी बनाऊंगी जो सुबह से शाम आप उसको 2 दफ़ा यूज़ करेंगे, एक दफ़ा सुबह और एक दफ़ा शाम, ठीक है? उससे आपको एक दिन में ही पता चल जाएगा कि आपके दांत कुछ दिन में साफ हो जाएंगे, ठीक है? अब हमें चाहिए हल्दी, सोडा, लीमू और टूथपेस्ट। मैं वो रेमेडी बनाती हूँ, आप देखें और दंदा दी गंदगी नु पोल जाओ, बस दंद चमकन दे हों सब दे। इसके लिए हमने आधा चाय का चम्मच हल्दी ले लेनी है। ये मैंने बड़ा चम्मच लिया हुआ है, आप आधा चाय का चम्मच ले लें, या अगर एक चम्मच हल्दी लेते हैं छोटा चाय का चम्मच, तो फिर आप 1 टीस्पून ही नमक लेंगे। मैंने 1/2 टीस्पून नमक लिया है, 1/2 टीस्पून हल्दी और 1/2 टीस्पून सोडा। अब इसमें कोई भी पेस्ट जो आप रेगुलर बेसिस पे यूज़ करते हैं वो आपने डाल देनी है। इतनी डालनी है कि मतलब 2 से 3 दफ़ा आप उसे साफ़ कर सकें। मेरे पास सेंसोडाइन थी, मैंने वो पेस्ट डाली है, मैंने 3 दफ़ा के यूज़ का तकरीबन बैटर बना लिया। अब आपने क्या करना है, इसको अच्छे से मिक्स करना है। ये थोड़ा ड्राई ड्राई आपको लगेगा, लेकिन अभी एक और इंग्रेडिएंट जाएगा, इसलिए इसको ड्राई ड्राई ही रहने देना। ये पेस्ट के साथ सारा लग जाए तब तक आपने इसको मिक्स करना है। सारा बिल्कुल जो है ना, ये चिपक जाएगा पेस्ट के साथ। ये देख रहे हैं आप, इस तरह से ये पेस्ट के साथ चिपक जाएगा ना, तो फिर आपने इसके अंदर तकरीबन अगर छोटा लीमू है तो आधा लेमन डाल लें, नहीं तो आप बड़ा लीमू है तो समझे 6 ड्रॉप्स आपने लेमन के डाल लेने हैं। इससे ज़्यादा लीमू नहीं डालें, फिर दांतों को बहुत खट्टा लगता है। मैंने थोड़ा सा पीस ये ऊपर से टॉप से बिल्कुल लेमन का तो काट के तो वो लगाया है, बस इतना ही लेमन काफ़ी है हमारे लिए। इसको लगा देना है, अंदर मिक्स कर लेना है, और बस ये अच्छे से जब मिक्स हो जाएगा ना तो फिर इसका मैजिक शुरू हो जाएगा। फिर आप देखें, मैं आपको मॉडल दिखाती हूँ, हमारी मॉडल जो है हमें डेमो देंगी। अभी तो मैं इसको अच्छा सा मिक्स करूँगी और इसको टीथ ब्रश के साथ जो है ना हम फिर लगा लेंगे, इधर ही ड्राई ड्राई सब वो इसके अंदर बिल्कुल मर्ज हो जाएगा टीथ ब्रश के अंदर। और हल्दी जो है ना वो एक किस्म की एंटीबायोटिक है, वो आपके अंदर जितने भी जरासीम, रेशा, बदबू, मुँह की, ये सब दूर कर देती है।